परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति कराया करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। धन जननी धन भूमि धन्य धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहां संत परवेश। जहां संत आते हैं धन्य है वो जननी जिनसे उन भक्तों का जन्म हुआ जिनके लिए वो संत वहां पहुंच गए उनके घर पे उनके क्षेत्र में। और धन है वो भूमि धन है वो देश पूरा देश। अब देखो इस दास को मालिक ने दास को माता ने जन्म दिया। परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश नगरी धन और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारु देश बहंत बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जन साधारण से नजर आते हैं लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। अपने आत्माओं जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो और अपना जो काम नहीं करते और सत्संग वगैरह में जाते हैं दो दो तीन तीन दिन लगा कर आते हैं तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते अकल अलूणे बिना अकल के यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को। उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल और ये सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। समाज को तो भक्त कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे क्योंकि वो कर क्या रहा है जिसको ठी बंगले और कार इन परिवार के लिए वो सारा जीवन न्योछावर कर देता है और सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है एक मिनट में मृत्यु हो जाती है और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा पशु पक्षी की योनियां भोगेगा उन जूनियों में जावेगा। तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग जगत के व्यक्ति कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये काम ना करते धंधा नहीं करते खाओगे कहाँ से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो ऐसा थोड़ा काम नहीं करते लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणना जरूरी था जो जगत नहीं कर रहा इसलिए वो अनजान है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल ये तो सब जो अकल अलूणे जिनमें दिखे अकल नहीं है इनमें मूर्ख है ये
कहते ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8-222-88-0541, 8-222-88-0542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatguru-rampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।